أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم students class 8 subject math general science I hope you are all well आज हम लोग अपने chapter number 7 की forward reading start करेंगे from the page number 106 और हमारा जो topic है आज होगा जो start करेंगे वो है pneumatics का तो चलते हैं अपने topic की तरफ from page number 106 our topic is pneumatics कंप्रेस्ड एयर हैज़ एबिलिटी टू डू सम मैकेनिकल वर्क हम लोगों ने कंप्रेस्ड एयर के बारे में लास्ट टाइम पढ़ लिया था कि क्या होता है कि जो एयर कब जब कंप्रेस होती है तो वो जिस कंटेनर में भी होती है वहाँ पे हर जगह प्रेशर कंसर्ट करती है तो ये इसकी उसमें कंप्रेस्ड एयर की एबिलिटी है कि वो क्या करती है वो कोई भी मैकेनिकल वर्क मतलब कोई भी वर्क डन कर सकती है द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशराइज्ड गैस अब साइंस की वो ब्रांच जिसके हम लोग जिसके अंदर हम लोग प्रेशराइज्ड गैस के एप्लीकेशंस को पढ़ते हैं टू प्रोड्यूस मैकेनिकल मोशन इस पे हम क्या करते हैं कोई ना कोई मैकेनिकल वर्क डन मैकेनिकल मोशन वर्क डन करते हैं तो वो हमारे पास क्या होती है वो न्यूमैटिक्स होती है ठीक है यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है एक्टिविटी है ठीक है इसको अब मतलब कि ये प्रेशर एग्जर्ट करती है आप लेकिन सिंपल है क्या लेनी एक स्ट्रिंज लेनी है स्ट्रिंज की ऊपर से नीडल उतारने के बाद उसके अंदर पहले एयर को प्रेस बढ़ने के बाद उसकी नोजल को पीछे करने के बाद आगे से फिंगर रख के बाद जब उसे प्रेस करोगे तो वो प्रेस हार्डली होगा मतलब उसके अंदर जो एयर है वो क्या होगी वो पूरी अंदर से प्रेशर एग्जर्ट करेगी इसी तरीके से हम कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कंप्रेस्ड एयर कंप्रेस्ड एयर इज़ द वाइडली यूज इन वेरियस डेली लाइफ एक्टिविटीज एंड इन इंडस्ट्री सम कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ कंप्रेस्ड एयर आर मेंशन बिलो ठीक है तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है ऑटोमोबाइल टायर्स आर इंफ्लेटेड विद कंप्रेस्ड एयर फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ व्हीकल्स ठीक है सिंपल सिंपल आपको समझ आ गया कि हम लोग कंप्रेस्ड एयर यूज़ करते हैं ताकि हम अपने व्हीकल्स की स्मूथ रनिंग कर सकें स्प्रे गन्स आर कंप्रेस्ड एयर फॉर स्प्रेइंग पेंट ठीक है तो स्प्रेइंग गन्स भी यूज़ की उसमें भी आपके पास हम कंप्रेस्ड एयर इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट है आपके पास एयर पावर्ड मोटर्स यूज कंप्रेस्ड एयर टू वर्क सच मोटर्स आर यूज एट प्लेसेस वेयर इलेक्ट्रिक मोटर्स आर नॉट सुटेबल फॉर सेफ्टी रीजंस ठीक है हम एयर पावर्ड मोटर्स को भी इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर उन जगहों पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं एयर कंप्रेस्ड एयर इज़ यूज टू ऑपरेट एयर पावर्ड न्यूमैटिक टूल्स लाइक हैमर्स ड्रिल्स एक्सेट्रा कुछ एयर न्यूमैटिक्स एप्लीकेशन के साथ हम लोग हैमर्स भी इस्तेमाल करते हैं ड्रिल्स भी इस्तेमाल करते हैं जैसे कि आपके पास यहाँ पे एक एग्जांपल है फिगर 7.9 में न्यूमैटिक हैमर इसमें क्या होता है वो प्रेशराइज्ड गैस के थ्रू प्रेस करती है दी कंप्रेस्ड एयर इज आल्सो यूज्ड इन एयर ब्रेक सिस्टम इन हैवी व्हीकल्स ठीक है हम लोग हैवी व्हीकल्स में भी इसको इस्तेमाल करते हैं व्हेन अ ब्रेक पैडल इज प्रेस द कंप्रेस्ड एयर इज रिलीज फ्रॉम द स्टोरेज टैंक दिस एयर पुशेस द ब्रेक पैड अगेंस्ट द मूविंग व्हील टू स्टॉप इट्स मोशन ठीक है हम लोगों ने ब्रेक्स सिस्टम जो जैक सिस्टम पड़ा था उसी से थोड़ा रिलेटेड है लेकिन इसमें हम क्या इस्तेमाल करें कंप्रेस्ड एयर इस्तेमाल करें इसको भी हम क्या जो बड़े व्हीकल्स होते हैं ना ज़्यादातर उसको उसके अंदर हम लोग कंप्रेस्ड एयर के साथ ब्रेक सिस्टम इस्तेमाल करते हैं मोस्ट ऑफ द डेंटिस्ट टूल्स यूज कंप्रेस्ड एयर फॉर देयर वर्किंग इट इज सेफर फॉर द पेशेंट ठीक है कुछ डेंटिस्ट भी इसी तरह से कंप्रेस्ड एयर टूल्स इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो हमारे पेशेंट के लिए क्या होते हैं सेफ होते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास एरोसोल्स एरोसोल्स क्या होते हैं एरोसोल ये प्रोडक्ट यूजिंग सॉल्स सिस्टम इज कॉल्ड एरोसोल्स ठीक है जहाँ पर भी सॉल्स का सिस्टम आ रहा है मतलब उसमें हम एरोसोल्स इस्तेमाल करें सॉल इज अ मिक्सचर ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स इन अ गैस और एयर ठीक है बेसिकली सॉल होता है क्या एक मिक्सचर होता है ये सॉलिड पार्टिकल्स का या लिक्विड पार्टिकल्स का गैस के साथ और एयर के साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरोसोल्स आर यूज फॉर वेरियस पर्पसेस हम डिफरेंट टाइप्स के एरोसोल्स इस्तेमाल करते हैं जैसे कि दे आर यूज एज एयर फ्रेशनर्स इंसेक्ट रिपेलेंट्स हेयर रिप स्प्रेज क्लीनिंग एजेंट स्प्रेज पेंट्स एंड मेडिसिनल स्प्रेज ठीक है इनहेलर एक्सेट्रा तो ये तमाम एप्लीकेशन है जहाँ पे एरोसोल्स इस्तेमाल हो रहे हैं जैसे कि उसमें एयर फ्रेशनर है इंसेक्ट किलर है हेयर स्प्रेज हैं क्लीनिंग एजेंट्स हैं और इसके अलावा स्प्रे पेंट्स हैं उसके अलावा मेडिसिनल स्प्रे मतलब इनहेलर वगैरह जो हम इस्तेमाल करते हैं तो हाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हाउ डू एरोसोल्स वर्क अब एरोसोल्स वर्क कैसे करते हैं हम लोग जो भी स्प्रे इस्तेमाल करते हैं हम उसको नोजल को प्रेस करते हैं तो उसके अंदर से स्प्रे निकलता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल स्मॉल वो लिक्विड्स के पार्टिकल्स होते हैं ठीक है तो वो किस तरह से वर्क करते हैं आप हम उसे देखते हैं एंड एरोसोल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ टू फ्लूड ठीक है आप एरोसोल के अंदर ये मिक्सचर होता है दो फ्लूड्स का वन दैट बॉयल्स द लो रूम टेम्परेचर कॉल्ड प्रोपेलेंट एंड द अदर वन इज द प्रोडक्ट ठीक है एक हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसे हम क्या कहते हैं प्रोपेलेंट कहते हैं जो क्या होता है कि इवन रूम टेम्परेचर के बिलो टेम्परेचर पे वो क्या हो जाता है बॉयल हो जाता है और उसको साथ में वो प्रोडक्ट के साथ इस्तेमाल किया जाता है वो प्रोडक्ट हमारे पास वो मेन चीज़ होती है जो हम स्प्रे के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं द प्रोडक्ट इज द सब्सटेंस विच इज एक्चुअली यूज्ड एज स्प्रे फ्रेशनर एयर स्प्रेज एंड इंसेक्ट रेपेलेंट एक्सेट्रा
दी प्रोपेलेंट इज द मीन्स ऑफ पुशिंग द प्रोडक्ट आउट ऑफ द गन. ठीक है, प्रोपेलेंट हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारे पास जो भी स्प्रे है उसके अंदर से हम उसको ईजिली उस स्प्रे के अंदर से बाहर निकालने के लिए प्रोपेलेंट इस्तेमाल करते हैं. बोथ फ्लूड्स आर स्टोर्ड इन सील्ड मेटल कैन एट रूम टेम्परेचर. अ पार्ट ऑफ द प्रोपेलेंट फ्लूड वेपराइजेस एंड इंक्रीजेस प्रेशर ओवर द प्रोडक्ट लिक्विड. ठीक है, रूम टेम्परेचर में प्रोपेलेंट क्या होता है, वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करता है बॉटल के अंदर. अ लॉन्ग प्लास्टिक ट्यूब रन्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द कैन अप टू द वेल सिस्टम एट द टॉप ऑफ द कैन. ठीक है, अब एक लॉन्ग प्लास्टिक ट्यूब होती है जो नीचे से एंड तक जा रही होती है ऊपर से टॉप तक नोजल के. व्हेन द वेल इज ओपन बाय प्रेसिंग द बटन द पासेज फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द कैन टू द अदर टू द आउटसाइड ओपन्स. जब आप नोजल को प्रेस करते हो तो उससे स्प्रे क्या होता है, उसके अंदर प्रेशर एग्जर्ट होता है और वहाँ से ऊपर से जो गैस अंडर होती है वो उसको प्रेस करती है, तो उसमें से जो लिक्विड होता है हमारे पास एरोसोल के स्प्रे की फॉर्म में बाहर निकल आता है. द हाई प्रेशर प्रोपेलेंट वेपर और गैस पुशेस द लिक्विड अप प्रोडक्ट अप इन द प्लास्टिक ट्यूब एंड देन थ्रू द नोजल. ठीक है, उसे ऊपर मूव करता है साथ में नोजल के साथ उस प्रेशर के साथ, वो जो अंदर प्रोपेलेंट होता है वो उसको प्रेशर एग्जर्ट करके उसको वहाँ से बाहर निकालता है नोजल से. दिन नैरो नोजल ब्रेक्स द फ्लूड लिक्विड इन टू टाइनी ड्रॉप्स विच कम्स आउट फ्रॉम द एज ए फाइन स्प्रे, जो कि फाइन स्प्रे की फॉर्म में बाहर निकलता है. नेक्स्ट अब आपके पास टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का. एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब कि हमारे इर्द गिर्द के माहौल में क्या प्रेशर चल रहा है एटमॉस्फेयर का. वो आवर अर्थ हैज़ अ ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड इट. हमारे अर्थ के लिए एक ब्लैंकेट है प्रॉपर एक एयर का. ठीक है, द अर्थ ग्रेविटी पुल्स द डाउन एयर डाउन. ठीक है, और जो ग्रेविटी है वो अर्थ की वो क्या करती है, हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, वो हवा को भी क्या करती है अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. हैंस द एयर हैज़ वेट. इसी तरह से एयर का क्या होता है, वेट होता है. द वेट ऑफ द एयर कॉलम्स पर यूनिट एरिया ऑन द अर्थ इज प्रेशर विच इज टर्म्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि वेट ऑफ एयर ओवर एयर जो एरिया उसके. ठीक है, अब कितने एरिया में कितना उसका वेट आ रहा है एयर का, वो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है. द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बैरोमीटर. जिस इंस्ट्रूमेंट से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड करते हैं वो हमारे पास उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है, बैरोमीटर कहा जाता है. द यूनिट फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर. द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर इज एब्रीवेटेड एज ATM. ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड हम यूनिट यूज इस्तेमाल करते हैं वो है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर, जिसको हम एब्रीवेटेड एज ATM भी कहते हैं. इसको एटमॉस्फेयर प्रेशर ही कहा जाता है. वन एटमॉस्फेयरिक प्रेशर इज इक्वल टू 101300 पास्कल्स और 101.3 K पास्कल्स एट सी लेवल, मतलब कि ग्राउंड लेवल पे. तो ये आप चीज़ आपने अच्छी तरीके से याद रखनी है, एमसी क्वेश्चन में पूछी जा सकती है कि वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल होता है, पास्कल के और किलो पास्कल के किसके इक्वल होता है. डू यू नो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर अराउंड अस अराउंड एट ग्राउंड लेवल इज अबाउट 100001 lakh पास्कल्स, मीन्स 100K पास्कल्स. ये एक एक्टिविटी है, ये हम लोग बाद में करेंगे. एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरीज विद ऑल्टीट्यूड. अब इस चीज में हमें क्या बताया जा रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ऑल्टीट्यूड से हाइट के साथ साथ चेंज होता है. ठीक है, द अर्थ सरफेस वेयर वी लिव इज द बॉटम ऑफ द सी लेवल एयर. ठीक है, हम लोग जहाँ पर रह रहे होते हैं वो हमारे लिए अर्थ का बिल्कुल बॉटम लेवल है. देर इज मोर वेट ऑफ एयर एंड हैंस द मोर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द अर्थ सर्फेस. ठीक है, इसमें हम ये वहाँ पर एयर का वेट भी ज़्यादा होता है, वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी वाकई ज़्यादा होता है. As we go up in the air, the atmospheric pressure decreases. जहाँ से हम हवा के ऊपर जाते जाएंगे वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा. दिस इज बिकॉज द वेट ऑफ द एयर डिक्रीज हैज़ वी गो अप. ये कैसे होता है, क्योंकि हम जैसे हाइट पर जाते जाते हैं वहाँ से ही हवा एयर का जो है वो वेट वो डिक्रीज होता जाता है. Thus the people who climb up hills experience less air pressure than those who are living at the sea level. इसी तरह से जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं उनको जो क्या होता है एयर प्रेशर का होता है वो उनके डिक्रीज होता है बनिस्बत सी लेवल के. एट सी लेवल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 101300 पास्कल्स, वेयर द हाइट ऑफ द अबाउट 5 kilometers इट फॉल्स अबाउट 55000 पास्कल्स. मतलब कि इतनी हाइट में अगर हम लोग 1-5 kilometers की हाइट पे भी ऊपर जाते हैं तो हमारे पास वो जो है वो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो कितना डिक्रीज हो जाता है, 55000. Altitude above the sea level can be determined on the basis of measurement of atmospheric pressure. The lower the atmospheric pressure, the greater the altitude. ठीक है, जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होगा उतनी हम ज़्यादा हाइट पर होंगे. व्हेन द बैरोमीटर इज कैलिब्रेटेड टू इंडिकेट ऑल्टीट्यूड द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड प्रेशर ऑल्टीमीटर. जब इस बैरोमीटर को आप हाइट के तौर पर इस्तेमाल करते हो तो वो हमारे पास वो क्या हो जाता है, प्रेशर ऑल्टीमीटर होता है, जो हमारे पास हाइट के साथ प्रेशर बताता है कितना प्रेशर है. प्रेशर ऑल्टीमीटर इज यूज इन एयरक्राफ्ट. रिस्ट माउंटेड ऑल्टीमीटर इज यूज बाई द स्काई डाइवर्स, हाइकर्स एंड माउंटेन क्लाइंबर्स. इस तरह से जो एयरक्राफ्ट होते हैं प्लेन्स है वो एयर प्रेशर ऑल्टीमीटर इस्तेमाल करते हैं. उसके अलावा जो स्काई डाइवर्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक रिस्ट माउंटेड ऑल्टीमीटर इस्तेमाल करते हैं जो अपने हाथ में उन्होंने बांधी होती है, जिससे वो क्या करते हैं उनको साथ साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इर्द गिर्द का बता रहे होते हैं.
ठीक है। डू यू नो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज यूज फॉर वेदरिंग फोरकास्ट। द वेदर इज फाइन व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाई हैज 105,000 pascals, when it falls to low about 9,200 pascals, there is a probability of a storm, ठीक है। इस तरह से हम लोग वेदर को फोरकास्ट कर सकते हैं और ये चीज़ आपने याद रखनी है, एम जी को पूछी जा सकती है। यहाँ पे हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद की पॉइंट्स आप लोगों ने एक बार सारी स्टडी करनी है, उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू सो मच।